महेश्वरी समाज द्वारा अक्षय तृतीया आखा बीज का त्यौहार उत्साह उमंग के साथ मनाया गया। दिव्या विशानी ने बताया कि आखा बीज महेश्वरी समाज का बहुत बड़ा पर्व होता है। विशानी परिवार जिसमें 80 घर है, सभी घरों में खीच बनाया जाता है व आस पड़ोस के सारे भाई बंधु एक साथ मिलकर खाते हैं तथा घर घर जाकर खींच खाने का लुत्फ उठाते हैं। यह कार्यक्रम आखा बीज वाले दिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक चलता है। मैं दिव्या विशानी, आज हमारे बड़ा त्यौहार है, हमारे यहाँ पर आखा बीज है। आज यह महेश्वरी समाज का बहुत बड़ा पर्व होता है, आखा बीज और आखा तीज। आखा बीज के दिन खिच बनाया जाता है जो कि बहुत फेमस है यहाँ पर। खिच के लिए सब पड़ोस के भाई बंधु सब हमारे घर आते हैं, सब एक साथ इकट्ठे होकर वो जो खिच हम जो बनाते हैं उस खिच को एक स्पेशल तरीके से बनाया जाता है, जिसमें कि मूंग चावल और एक खिच जो बाजरी का होता है उसको हम यूज़ करते हैं। अच्छे से हम उसके अच्छा से घी डाल के उसको बहुत अच्छी सब्जी के साथ उसको खाते हैं, जिसमें कि ग्वारफली की सब्जी और जो कि बहुत यहाँ की जैसलमेर की फेमस है राजस्थान की, तो उसको ये त्यौहार हमारा इस तरीके से मनाया जाता है। और कल रहेगा हमारा आखा बीज तीज, जिसमें कि सारे भाई बंधु दोस्त सब साथी एक दूसरे के घर जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, सबको प्रणाम जय श्री कृष्ण सब करेंगे और एक दूसरे के घर स्पेशल सब अपने अपने जो भी नए आइटम है लोग बनाएंगे और एक दूसरे के घर जाकर सबको प्रणाम और ये करेंगे। ये हमारा आखा तीज और आखा बीज का त्यौहार है। अक्षय तृतीया का त्यौहार का बीज आज से अक्षय तृतीया का त्यौहार शुरू हो जाता है। इसमें आज से सब भाई मसूदा विशानी परिवार एक एक घर में, जैसे हमारे यहाँ पे 80 घर है, 80 घर में एक एक घर में जाकर एक आइटम बनता है खीच, खीच दही और ग्वारफली की सब्जी, और सब घर में एक ही आइटम और सब घर में पूरी तरह भोजन। कम से कम 4 घंटे ये प्रोग्राम चलता है, सुबह 10 बजे शुरू होते हैं, 2 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है। खड़े के रूप में 5 अंदाज रख के कार्यक्रम कलश रख के शुरू किया जाता है घर में। ये शुभ समृद्धि का त्यौहार है और ये रबी की फसल संपन्न होने के बाद में ये त्यौहार मनाया जाता है, तो ये खुशहाली का त्यौहार है। इसमें व्यापार वृद्धि और किसानों के लिए एकदम पूरा साल